चोरों ने देर रात सुनार की दुकान पर किया हाथ साफ। शहर की प्रतिष्ठित सुनार की दुकान से शटर काट कर की चोरी। बीच बाजार हुई चोरी से पुलिस की पेट्रोलिंग पर उठ रहे सवालिया निशान। बाजार में ड्यूटी पर लगे चौकीदार को कट्टे की हनक पर बंधक बनाकर दिया चोरी को अंजाम। बंधक बने चौकीदार से सुनाई आप बीती। नकाबपोश पांच बदमाशों ने सुनियोजित ढंग से दिया वारदात को अंजाम। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले इसी सड़क पर कुछ दूर मिला था बोर में बंद युवक का टुकड़े टुकड़े किया गया शव। विगत दिनों हुई घटना से भी पुलिस ने नहीं लिया सबक। शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद। चौकीदार को कट्टा लगाकर बनाया बंधक, फिर दिया चोरी की वारदात को अंजाम। शहर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष बाजार का मामला। नव भारत समाचार हमीरपुर उत्तर प्रदेश से शीलू निषाद की रिपोर्ट। आप चौकीदार हैं? हाँ हाँ हाँ। क्या मामला हुई है रात में? भाई हम लोग यहाँ पर चिताब रहे थे, ये राजू टेलर की दुकान की है, तो ये आया अपने घर से। उसने बताया कि चौकीदार चार पांच लोग वहाँ की बाल में छिपे खड़े पुलिया में, तो जो पुलिस वाले यहाँ थे ड्यूटी में, तो उनसे हमने कहा है कि जवान जी जरा चले जाओ वहाँ तक, गाड़ी लेकर के हारन बजा दो तो लोग भग जाएंगे। ये लोग नहीं गए अस्पताल की तरफ, चले गए। उसके बाद जब यहाँ सब नाटक हो गया बिल्कुल, तो वो लोग आए हैं एकदम हमारे बुला दिया दोनों लोग। हम दोनों काँप रहे थे, कट्टा उड़ा दिया और इतना बड़ा वो काटने वाला वो सब सामान लिए थे पूरा। अब हमको खींच के ले गए वहाँ पुलिया में बगल में जा कर, वहाँ पर हमको बांध दिया। वहाँ बल्कि सीटी हमारी लड़का बता रहा था टूटी पड़ी है, सीटी भी ले गए हमारी पेड़ लगी। फिर हमको नीचे ले गए वो बरगद के पेड़ के वहाँ कुन्ने में, एक आदमी हमारे लगे खड़ा रहा, दोनों लोगों को वहीं बांधे बैठाए रहा है और कट्टा हो रहा था कि बोलना है, सब हल्ला चुप कर रहे ना। वो भी बताओ पुलिस से, क्या नाम है आपका? रामेश्वर। और वो लोग फिर जब चले गए, फिर एक लड़का का हाथ बोरी ली रहे उनसे सफ़ेद सीमेंट वाली, और फिर अपनी आगे चले आए। फिर जब दोबारा गए तब हमको छोड़ो है तो यार हाथ ढील रहा कुछ। क्या अपना चेहरा छुपाए हुए थे वो लोग? मुँह बांधे थे। कितने लोग थे? पाँच लोग थे। तो इसका एक हाथ ढीला हो गया था, उसने छोड़ लिया था। फिर उसने मेरा हाथ एक छोड़ा, मेरे एक हाथ बांध लिया ऐसे। वहाँ पुलिस थी, उनके यहाँ गए हमको दीवाने थे, अगर ये हाल की नहीं आए हम तनखा हुआ था हमको चोर बांध के हमको वहाँ लेंगे। तो फिर पिकेट वाले आए नहीं आपकी सूचना पे? हमको वहाँ से वो वहाँ की सूचना फिर आए, फिर उन्होंने फ़ोन किया कोतवाली को, कोतवाल साहब को, हमारा मोबाइल में सब लगे सब किससे फ़ोन कर। रात को कितने बजे की घटना है? डेढ़ बजे। तो आपने जब सूचना दी पुलिस को, उसके बाद पुलिस कब आई? रात में नहीं आई थी? नहीं, रात में कोतवाल वोटवाल साहब फिर आए, जब उन्होंने बता रहे थे कोतवाल साहब वहाँ ढलोखर पहुँच गए थे, वहाँ फोन पहुँचा तो तुरंत आए गाड़ी लेकर, पुलिस पहुँच आई।